बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आवान बायोफ्लॉग परफॉर्मिंग में आप सबको खुश आमदीद है। आज मैं आपको अपने टैंक्स में स्लज रिमूविंग का सिस्टम एक मैंने बनाया है, वो ज़रा उसका आपको तारफ़ करवाना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ वो मैंने किस तरह से इस्टेब्लिश किया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये एक पंप लगा हुआ है जो इसका बोर किया हुआ है, ये ज़मीन से पानी उठा रहा है। और दूसरा ये आप देख रहे होंगे, ये गेयर्स वाला पंप है। ये जो पंप है वाटर सप्लाई की लाइन पे लगाया हुआ है और इसको मैंने डुअल पर्पस बना लिया है। इसी को मैं अपने टैंक से स्लज रिमूवल के लिए भी यूज़ करता हूँ और इसी से ही वाटर सप्लाई जो है वो भी मैं इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, इसका मैंने किस तरह से सेटअप बनाया है आप ये देख रहे होंगे कि ये एक पीछे लाइन है और उस पर ये वेल आ रहा है। ये वाटर सप्लाई की लाइन के साथ ये वेल आ रहा है और ये वेल आके इसकी सक्शन के साथ, यहाँ नीचे इसकी सक्शन के साथ अटैच कर दिया है। और वहीं से आप देख रहे होंगे कि एक वेल है और ये एक पाइप जा रहा है। यही जो पाइप है इसको मैंने स्लज रिमूविंग का जो मैंने सिस्टम बनाया है वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, उसके साथ अटैच कर दिया है। और ये जो है ये पंप की सक्शन के साथ अटैच है। ये उसके बाद पंप का डिस्चार्ज आप देख रहे होंगे। पंप के डिस्चार्ज से अगर आप देखें तो यहाँ पे NRV आपको नज़र आ रहा है, नॉन रिटर्न वाल्व। और इसके नीचे ये देखिए एक लाइन जा रही है, ये लाइन जो है वो आगे जहाँ पे हमारी ड्रेन फिट है, जहाँ पे हमने ये पानी निकालना है वहाँ पे ये जा रही है। ये आपको वेल नज़र आ रहा होगा और ओपन एंड इसका पिट की तरफ नज़र आ रहा होगा। ये साथ ही जो है वो टैंक का अपना ड्रेन है। ये देखें जी, ये 32 mm का पाइप मैंने लिया है और इसमें मैंने नीचे होल्स कर दिए हैं। आप देख रहे होंगे इसमें टी और ये बैरल निपल्स लगाकर इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है और दरमियान में से इसको जो है वो सक्शन का एक इसके साथ पाइप लंबा एक अटैच कर दिया है। और इसकी लेंथ इस तरह से रखी है कि जब ये टैंक में हम इसको लेके जाएं तो ये मैक्सिमम एरिया को कवर करे, ताकि हमें बार बार जो है वो इधर उधर मूवमेंट ना करनी पड़े। और इससे बहुत ही बेहतरीन अंदाज़ में स्लज रिमूव हो जाती है। मैं आपको स्लज रिमूव करते हुए भी थोड़ा सा दिखाऊँगा कि किस तरह से इसमें से स्लज जो है वो आती है और बिल्कुल नीचे जो बॉटम है वो क्लियर हो जाता है। ये आप देख रहे होंगे, मैंने वो अपना स्लज रिमूविंग का जो सिस्टम है उसको मैंने टैंक में जो है वो दाखिल कर दिया है और मैं इसको स्लोली स्लोली अब इसमें टैंक में जो है वो रिमूव और चला रहा हूँ इसको। तो आप देखेंगे थोड़ी देर में कि यहाँ से आपको स्लज जो है वो आदमी पाए नज़र आएगी। अभी ये देखें, यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं तो ये देखिएगा, ये देखें कि ये वाटर जो है वो स्लज से किस तरह पाइप भर गया है। तो ये बहुत ही अच्छा, आसान और बेहतरीन तरीका है जिससे आप अपने टैंक्स में से सही तरह से स्लज रिमूव कर सकते हैं और आपको इंश्योर हो सकता है कि जी आप हमारे टैंक में स्लज नहीं रही। ये आप मुलाहजा करते रहें, ये देखें। और बहुत आसानी से मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता करके आगे मूव करता जा रहा हूँ और ये देखें जैसे जैसे मूव कर रहा हूँ तो वैसे वैसे ही स्लज निकलती चली जा रही है। अच्छा, इसमें एक बात ये बतानी है कि क्योंकि इसमें जो मछलियाँ हैं उनका साइज़ बड़ा है, इसलिए यहाँ पे स्लज जो है वो ज़रा जल्दी बन जाती है, जल्दी एक्युमुलेट हो जाती है और जो ड्रेन का हमारा सिस्टम है उससे उतनी इफेक्टिवली निकलती नहीं। तो फिर इसलिए ये हमने सिस्टम बनाया है ताकि हम अच्छी तरह से इसमें से स्लज को निकाल दें, ताकि जो भी स्लज के एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं उससे बचा जा सके। ये आप देख पा रहे होंगे कि स्लज जो है वो यहाँ से जो ड्रेन पाइप मैंने अपनी पौधी में या जो पिट है उसमें जो लगाया हुआ है, आप देख रहे होंगे कि इसमें स्लज किस तरह से आ रही है। ये सिर्फ आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए, अभी ये वाटर क्लीन हो गया, अब मैं इसकी जो है वो जगह वहाँ से तब्दील करूँगा। ये देखिए जनाब, ये
नहायत ही आसान है इसको मूव कराना और इससे स्लज जो है वो रिमूव करना। इसमें मैं ये भी बताता चला जाऊँ कि ये जिस टैंक से मैं स्लज रिमूव कर रहा हूँ इसमें मेरे पास गैसियस है, उन गैसियस स्टार्ट की है और अल्हम्दुलिल्लाह उसका जो साइज है इस वक्त वो एक फिट से क्रॉस कर चुका हुआ है। तो अभी मैं इसका रिसेंट वेट नहीं कर पाया, बहुत जल्द इसका वेट करके भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो चूँकि ये ज़रा मछलियाँ बड़ी हो गई हुई हैं, इनकी फीड की रिक्वायरमेंट भी बढ़ गई हुई है, इसी वजह से इसमें स्लज के जो मामला हैं वो भी बढ़ जाते हैं, स्लज ज़्यादा हो जाती है। तो इसको वंस अ वीक जो इसको मैं इस तरह से रिमूव कर लेता हूँ, ये तकरीबन कोई 25 से 30 मिनट का टाइम मुझे लगता है और सारा टैंक जो है वो मैं इसको इस तरह से आसानी के साथ क्लियर कर लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सिस्टम और ये तरीका पसंद आया होगा। ये कोई मतलब ज़रूरी नहीं है और साथ ही इससे भी अच्छा और बेहतर तरीक़ेकार भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन मैंने फिल वक्त यही एक तरीका बनाया था। दोस्त और भी दोस्तों ने किया हुआ है, उनको भी देखा, फिर ये मैंने भी इस्टेब्लिश किया। तो आप भी आसानी से इसके साथ स्लज इस तरह से बना के रिमूव कर सकते हैं। गाय बगाए मैं आपको इसकी अपडेट्स देता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।